शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। ओम। इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम वेद के जो ज्ञान के संबंध में विचार हैं उनको देख रहे थे। उसका विशेष जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त में है, जिसका नाम ज्ञान सूक्त है। इसका ऋषि बृहस्पति है और इसका देवता ज्ञान है। और गत चर्चाओं में इस मंत्र के कुछ भाग पर हम चर्चा कर चुके हैं। जिस मंत्र की चर्चा चल रही है वो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। मंत्र है अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश असमाबभूव आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे दद्रिशिरे। इसमें दो बातों पर विचार किया गया है। एक तो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका साधन क्या है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख उपाय जो शरीर के अंतर्गत है वो क्या है। उसके लिए दो उदाहरण यहाँ दिए थे, अक्ष्णवंतः और कर्णवंतः। आँखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं। हमने कल देखा था कि सभी ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान का ग्रहण करने में सहायक हैं, परंतु सबसे अधिक सहायक जो है वो आँख और कान है। आँख से हम स्वयं देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, पर दूसरे की जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको सुनते हैं। यहाँ हम दृष्टा स्वयं होते हैं लेकिन श्रोता में संपूर्णता नहीं है। सुनने का काम तो करते हैं लेकिन सुनने का काम तब हो सकता है जब कोई बोलने का काम करे। तो इस दृष्टि से हम बोलकर जब कोई बोलता है तब हम उसे सुनते हैं। यहाँ जो दो शब्द आए अक्ष्णवंतः और कर्णवंतः, उस ज्ञान के जैसे शरीर में दो साधन हैं वैसे ही दो साधन संसार में होने चाहिए। एक जो आँख के काम में आ सके और दूसरा जो है कान के लिए उपयोगी बन सके। कान का आधार बने तब कान का उपयोग हो, आँख के लिए कोई विषय हो तब आँख का उपयोग हो। यदि इसको और सब बातें छोड़ दें तो दो बातों पर ध्यान जाता है। एक लेख और एक प्रवचन, ये हमारे लिए नए नहीं हैं। हम शिक्षा की चाहे जितनी विधियां निकाल लें, सजाहे तरीके बना लें, वैज्ञानिक खोज कर लें, किंतु ये जो दो उपाय हैं इनका विकल्प नहीं है। आँखों से पढ़ना और कानों से सुनना। अध्यापक बोलता है और छात्र सुनता है,
कोई पुस्तक लिखता है और हम पुस्तक पढ़ते हैं, जो कुछ दृष्टि में है वो सब हमारी पुस्तक भी हो सकती है और पुस्तक विशेष भी हो सकती है। जहां तक वेद का संबंध है, मंत्र का संबंध है, तब पुस्तक विशेष ही लेनी पड़ेगी। और संसार के ज्ञान की बात होगी तो सारा संसार खुली पुस्तक की तरह हमारे सामने होगा। तो सुनना और देखना, अध्यापक का प्रवचन सुनना और पुस्तक को पढ़ना, इसकी एक बहुत चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। जब आचार्य अपने शिष्य को अपने यहाँ से विदा करता है तो जो बहुत सारे उपदेश देता है, उन उपदेशों में एक उपदेश और मुख्य उपदेश है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। अर्थात संसार में जो कुछ सीखना है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका क्रम चलते रहना चाहिए। तो चलेगा कैसे? तो स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से, चिंतन मनन विचार करने से। और इसलिए स्वाध्याय शब्द हमारे यहाँ बहुत पुराना है और इसलिए इसका अर्थ भी व्यापक है। यहाँ कहा गया स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, तो वेद के अध्ययन से और वेद की चर्चा से प्रमाद न करें। जब हम चर्चा करते हैं तब भी हमारा उद्देश्य अध्ययन है, हम जिज्ञासा करते हैं, हम प्रश्न करते हैं, हमारे मन में कोई शंका पैदा होती है तो हम दूसरे से उसको जानकारी लेते हैं, उसके समाधान कराते हैं, अध्यापक से हम सुनते हैं, प्रवचनकर्ता से हम सुनते हैं, कोई बोल रहा है उसकी बात को हम सुनते हैं। तो इसलिए वेद का सुनना और वेद का पढ़ना, जब विशेष बात कहेंगे तब वेद का सुनना और वेद का पढ़ना है, और जब सामान्य बात कहेंगे तो जो भी ज्ञान के साधन आँख के काम में आ सकते हैं वो, और जो कान के काम में आ सकते हैं उनका ग्रहण होगा। इसके लिए एक और दर्शन की पंक्ति है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। योग दर्शन में परमेश्वर की जो प्राप्ति के लिए उपाय बताए हैं, योग की विद्या और विधा बताई है, वहाँ योग को समझाने के लिए कई तरह से बात कही गई है। प्रसंग से बता दें कि जब हम किसी को योग विस्तार से समझाते हैं, सीढ़ी और अगली सीढ़ी की तरह से समझाते हैं, तब उस पूरे योग को हम अष्टांग योग कहते हैं। और इसके अनुष्ठान से ही परमेश्वर का साक्षात्कार और समीपता प्राप्त होती है, क्योंकि तब हमें ये अष्टांग योग जो है विवेक ज्ञान के उत्पन्न होने का कारण है। शास्त्र कहता है योग अंग अनुष्ठानात्, योग अंगों का जीवन में उपयोग करने से, योगांगों के अनुसार, यम नियमों के अनुसार जीवन की चर्या बनाने से क्या होता है? अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि का, मलिनता का, अज्ञान का क्षय और समाप्ति होती है। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है। अविवेक ख्याते, कितना ज्ञान होता है? जब हम किसी भी वस्तु को यथार्थ रूप में अलग अलग देख सकें, विवेक कर सकें, तब हो सकता है। इस बात को संक्षेप से समझाने के लिए या इस सारी प्रक्रिया को थोड़े शब्दों में समेटने के लिए पतंजलि ने एक और सूत्र भी बनाया है,
उस सूत्र में तीन शब्द डाले गए हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वहां अष्टांग योग नाम दिया था, यहां इसका नाम क्रिया योग दिया, लेकिन स्वाध्याय वहां भी था और स्वाध्याय यहां भी है। तो स्वाध्याय की व्याख्या करते हुए व्यास ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम प्रणव जपो वाह, मतलब शास्त्रों का पढ़ना, पुस्तक का पढ़ना। इसलिए ये समझना कि ये पुराने समय में हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं होता था, ऐसा विचार नहीं है, ये विचार सत्य और उचित नहीं है। वहाँ सीधा लिखा है मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, आँखों से जानना देखना, और मनन चिंतन को मन से जानना देखना। प्रणव जपोवा, ओम आदि जो ईश्वर के नाम हैं उनका मनन करना, चिंतन करना, जप करना, प्रणव जप। तो ये कहता है कि जो अध्ययन है ये हमारे ज्ञान का सबसे प्रमुख साधन है। इस अध्ययन को हम ठीक और अनुकूल बनाने के लिए एक और शास्त्र में पंक्ति आती है कि जब भी कोई ज्ञान हमारे पास आता है तो उस कितने स्तर से होकर हमारा बनता है, उसके लिए वहां पर एक पंक्ति है कि ज्ञान की कैसे प्राप्ति होती है या ज्ञान कैसे सार्थक बनता है। तो वहां कहा गया है स्वाध्याय कालेन, आगम कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार काले नेतिवा। अर्थात पहले तो किसी चीज को पढ़ना सुनना, ये दोनों स्वाध्याय में हैं। अर्थात पुस्तक को पढ़ें तो भी अध्यापक से सुनते हैं और प्रवचन को सुने तो भी अध्यापक के उपदेशक को सुनते हैं। तो उसका सुनना ये हमारा अध्ययन है, ये स्वाध्याय काल है, हम पढ़ते हैं, दूसरों से उसको समझते हैं, प्राप्त करते हैं, अपने आप देखते हैं। फिर वो कहता है कि जो कुछ हमने जाना है, समझा है, प्राप्त किया है, उसको जब हम दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को बताते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं, तब ज्ञान वास्तव में हमारा होने लगता है। ये बड़ी रोचक बात है कि किसी वस्तु को, किसी पुस्तक को हम पढ़ें या किसी प्रवचन को हम सुने, तो हमें जितनी जानकारी होती है, जितना बोध होता है, जितना ज्ञान हमें मिलता है, उससे अधिक ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम या तो पढ़ाते हैं या प्रवचन करते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय प्राप्त करते समय जितना हमको मिलता है वो लगता है कि हमें पूरा मिल रहा है, लेकिन उसकी गुत्थियाँ तब खुलती हैं या हमारी समझ में भी तब आता है कि हमें पूरा समझ में आया या नहीं आया। हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आया हुआ होता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी समझ में क्या नहीं आया है। इसलिए हम जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास यही उपाय है। जैसे कि यहाँ पंक्ति में कहा स्वाध्याय कालेन, आगम कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन। तो स्वाध्याय काल, आगम काल, प्रवचन काल, अर्थात उसको बोल दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया, और अंतिम परिस्थिति आती है उसका अपने जीवन में उपयोग करना, व्यवहार में लाना। तो ज्ञान का जो उद्देश्य है वो क्या? व्यवहार में लाना, अर्थात उसका हमारे हानि लाभ के लिए उपयोग होना। हमारा हानि लाभ पता है
तो हम हानि से बच सकते हैं और उपयोग में प्रयोजन की सिद्धि के लिए काम में ला सकते हैं। इस प्रसंग में आपको एक बार पहले एक बात बताई थी, जब कहीं हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त ज्ञान है उसके संबंध में हमारे मन में जो धारणा बनती है, जो विचार आता है, वो कहता है कि कोई चीज़ आपने समझी, जानी, देखी, तो उसके तत्काल बाद आपके मन में एक विचार आता है, काम की है, ले चलते हैं, रख लेते हैं, याद कर लेते हैं। दूसरा विचार आता है, ठीक है, देखेंगे कभी, और उसके आगे तीसरा विचार आता है, ओहो, इससे तो हमारे लिए बहुत हानि होने वाली है, ये तो अच्छा हुआ हमने जान लिया, समझ लिया, इससे हमें बचना चाहिए। इसको शास्त्र ने हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धि कहा है। मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति है उसके तीन फल होते हैं, तीन परिणाम होते हैं, या तो उसको ग्रहण करके उसका लाभ उठा लिया जाता है, उपयोगी नहीं है तो छोड़ दिया जाता है, और हानिप्रद है तो उससे बचने का उपाय किया जाता है। तो इस तरह से जो स्वाध्याय है वो हमारे जीवन के लिए बड़ा अनिवार्य है, आवश्यक है। संसार में संसार का होना और संसार में हमारी उपस्थिति, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो ज्ञान से बनता है। अर्थात कोई भी वस्तु दुनिया में ऐसी नहीं है जो हमारे काम के लिए ना हो, हमारे उपयोग के लिए नहीं हो, या बिना प्रयोजन की हो। हमें लगता है कि बहुत सारी वस्तुएं क्या काम आती हैं, इनका क्या प्रयोजन है, इसका क्या लाभ है, लेकिन संसार में जो कुछ बना है वो बुद्धिपूर्वक बना है और उसी तरह सब प्रयोजन बना है। मतलब प्रयोजन जो है वो पूरे संसार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह चीज़ हो सकती है कि पूरे जीवन में मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता न पड़े, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ तो ये वस्तु मेरे लिए बेकार है, इस वस्तु का मुझे कोई लाभ नहीं है, न होती तो भी ठीक था। लेकिन वही वस्तु संसार में दूसरे के लिए अनिवार्य है, उपयोगी है। एक दवा मैं स्वस्थ हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है, वही दवा किसी बीमार के लिए बहुत आवश्यक है, उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसलिए ये समझना कि संसार में वस्तुएं व्यर्थ बनी हुई हैं, ये हमारी अल्पज्ञता है या अज्ञान है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु उपयोग के लिए बनी है, वो मेरे लिए हो सकती है या संसार में किसी और के लिए हो सकती है। इसलिए संसार में ज्ञान तो प्राप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पति